अगर आपको पता चले तो ITEL एंड सेंसोरेंट के देवेंद्र फडणवीस तो एक है ही सबसे बड़े लीडर, लेकिन उनको एक कंबाइंड लीडरशिप प्रेजेंट करनी पड़ेगी इफ दे वांट टू गो ऑन दैट पाथ. कि ठीक है कि मराठा रिजर्वेशन की वजह से एक सेंटीमेंट हमारे खिलाफ है, शरद पवार हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम बाकी जातियों की गोलबंदी कर लेंगे तो वी कैन सेल थ्रू. देखिए क्या हुआ है बीजेपी में पिछले 10 साल में, एक तरह से पार्टी कंप्लीटली देवेंद्र फडणवीस ने कंट्रोल की है, वो उनके एक मेन चेहरे हैं. कई लीडर्स थे, सुधीर मुंगंतीवार, विनोद तावड़े, तो लोकसभा जी लोकसभा हार गए. नहीं नहीं, पर चेहरे तो थे ना ये, इन्हीं के बदौलत. आप एक जमाने में वो मंत्री थे, विनोद तावड़े को आपने दिल्ली भेजा, पंकजा मुंडे हार गई, आपके ओबीसी एकनाथ, आपके कई ओबीसी चेहरे जो लोकसभा में लड़े थे वो हारे. या कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर जो बीजेपी को आगे लेकर जा रहा था वो लोकसभा में चुनाव में हमने देखा कि कई ऐसे ओबीसी इलाके खासकर करके विदर्भ में और मराठवाड़ा में जहां कांग्रेस बीजेपी को हरा पाई. क्योंकि कांग्रेस में एक चीज है जो हमने हरियाणा में नहीं देखी, हरियाणा में कांग्रेस ने इस तरह से हुड्डा जी को आगे प्रोजेक्ट किया. कांग्रेस की कोई ओबीसी और दलित लीडरशिप नहीं थी. महाराष्ट्र में है, अब आप नाना पाटोल लीजिए, मुंगंतीवार लीजिए, कई उनके नेता हैं जो मुझे लगता है एक तरह से खास करके विदर्भ में उनके पास ओबीसी चेहरे हैं. लेकिन आपने बीजेपी की कलेक्टिव लीडरशिप की बात की, जो एक फर्क मुझे नजर आता है 2024 के चुनाव में कई अंदरूनी लड़ाइयां हो रही थी बीजेपी में, अंदरूनी, जो अब मुझे लगता है आरएसएस ने कोशिश की है उनको कम से कम हो. उनमें से एक अजीत पवार के को लेने की लड़ाई थी कि आपने अजीत पवार को क्यों लिया बगैर हमें कंसल्ट करते. कई कार्यकर्ताओं की ये समस्या थी, उनकी तकरार थी कि हम तो अजीत पवार के खिलाफ लड़ रहे थे, भ्रष्ट थे, फिर भी आपने उनको लिया. कई आरएसएस नेता चुनाव में नहीं पड़े, नितिन गडकरी जैसे सीनियर नेता को लगा कि उनको भी हराने की कोशिश हो रही थी, हालांकि उन्होंने ये पब्लिकली नहीं कहा है कि उनके, लेकिन उनके कुछ समर्थक प्राइवेटली कहते हैं कि कोशिश हुई उनको भी नागपुर में कमजोर करने के लिए. तो बीजेपी एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाई. 2024 के विधानसभा में स्थिति थोड़ी बदल गई है और यही ये एक बैटल तो है ही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दोनों तरफ से बैटल है, महायुति में भी है और महाविकास आघाड़ी में भी है. और कई देवेंद्र फडणवीस के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं जो भी हो अगर इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आती है तो फडणवीस को बनना ही है. वो जो पूरी पोस्टरिंग है, एकनाथ शिंदे, देखिए हमने बड़ा दिल दिखाया, उद्धव ठाकरे वाज नॉट राइट, एक मैसेजिंग जो देनी थी. नहीं, अमित शाह जी ने एक आर्टिकल आया और औरंगाबाद में मीटिंग में कहा है कि हमने त्याग किया, ये आप जानिए हमने बहुत बहुत बड़ा त्याग किया, उसमें से एक मैसेजिंग है. क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे का इतना प्रोजेक्शन हो रहा है हर पोस्टर पर, अगर आप मुंबई जाए, थाने जाए, उसके आगे भी जाए, एकनाथ शिंदे के पोस्टर नजर आते हैं और बाकी जो है उतने बड़े नजर नहीं आते. तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट एक गुट है जो एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता समझते हैं कि इस बार जो भी हो अगर बीजेपी नंबर वन पार्टी बनती है तो देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए. लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बनने के का एक प्रॉब्लम है जो मराठा कार्ड हुआ है. जिस तरह की मराठा राजनीति खेली गई है महाराष्ट्र में पिछले एक साल से, जरांगे पाटिल को जिस तरह से आगे किया, बीजेपी कोई ऐसा मराठा चेहरा नहीं है जो एक स्टेट वाइज, मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने कहा सौरभ, क्योंकि पिछले 10 सालों में पूरी बीजेपी एक तरह से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चल रही है. कैन दे चूज टू इग्नोर मराठास लाइक दे चोज टू इग्नोर, लार्जली चोज टू इग्नोर जाट्स इन हरियाणा एंड एक एंटी जाट गोलबंदी की? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मराठा वोट बढ़ सकता है, डिवाइड हो सकता है, जिस तरह से कुछ इलाकों में जाट वोट डिवाइड हुआ जी. मराठा भी अलग अलग होते हैं, मराठा जो मराठा कुणबी अपने आप को कहते हैं, आप उन्हें कुणबी इसी में आते हैं, वही तो डिफिकल्टी है. कई जो मराठा है वो कह रहे हैं कि हमें कुणबी ओबीसी में जाना, यही तो लड़ाई है. लेकिन जो विदर्भ का कुणबी है, जो खास करके किसान है या एग्रीकल्चरिस्ट है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है. वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो मराठा है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, कुछ हद तक खानदेश का जो मराठा है उसकी भी अलग आइडेंटिटी है. मुझे नहीं लगता आप एक यूनिफॉर्म मराठा आइडेंटिटी पर अपना जिस तरह से बिल्ड कर सकते, नहीं, क्योंकि देखिए परसेंटेज भी कितना है. मुझे लगता है महाराष्ट्र में मेन थिंग सौरभ मैं कहूंगा मैनेजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज. आपने कुछ आंकड़े शुरू में गिनाए,
उसमें इंटरेस्टिंग है इंडिपेंडेंट्स प्लस छोटी पार्टियां जी, लगभग 28-29 पिछले बार भी थी, ऑल द बच्चू कड़ूज ऑफ दैट वर्ल्ड बिल्कुल, और जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो तो इस बार इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या छोटी, ये भी चल रहा है कि एक गुट ये कह रहा है कि अजीत पवार बाहर चले जाए, कि अजीत पवार को बाहर कहिए आप या उनको पुश आउट करिए और उनसे एक थर्ड फ्रंट बनाइए ताकि और एंटी इनकम्बेंसी जो वोट हो वो डिवाइड हो, अब वो एंड दैट विल बी द पॉलिटिकल एंड ऑफ अजीत पवार, मेनी पीपल आर सेइंग दैट एज वेल। देखिए अजीत पवार कम से कम 50 सीट तो लड़ना चाहते हैं, क्या बीजेपी तैयार होगी उनको 50 सीट देने में, ये बहुत बड़ा सवाल है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे 100 सीट लड़ना चाहती है, क्या महाविकास आघाड़ी उनको 100 सीट देगी, ये सब अगले एक हफ्ते में तय होगा। दिल्ली से निकलकर बाहर ललन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके, अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में, जगह होगी बापू सभागार पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो dlantop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।